मध्य प्रदेश की पहली वंदे भारत ट्रेन का रैक भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन पर पहुंच गया है। यह ट्रेन रानी कमलापति से शुरू होकर नई दिल्ली तक जाएगी। ट्रेन 694 किलोमीटर का सफर 7.45 घंटे में तय करेगी। वापसी में ट्रेन 7.5 घंटे का समय लेगी। बताया जा रहा है कि इस ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अप्रैल को हरी झंडी दिखाएंगे। इसे लेकर रानी कमलापति स्टेशन पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। रेलवे के आला अधिकारी 2 दिन से स्टेशन का दौरा कर रहे हैं। DRM सौरभ उपाध्याय ने भी रविवार को व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसी को लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी जानकारी साझा की है। ये वंदनीय कदम है माननीय मोदी जी का, अभिनंदनीय कदम है। वो कांग्रेस ने तो 2 शताब्दी चालू करने में 1 युग बिता दिया था और माननीय मोदी जी ने तो 8 साल में पूरे देश के अंदर 9 स्वदेशी वंदे भारत ट्रेन चला दी और वो भी मध्य प्रदेश भोपाल को ये सौभाग्य मिल रहा है। 1 तारीख को वैश्विक नेता हमारे माननीय मोदी जी प्रारंभ करने आ रहे हैं, मध्य प्रदेश के लिए खुशी की बात है। बेमौसम बारिश ओलावृष्टि से जो फसल क्षति हुई है, आप भी खेतों में गए थे, कांग्रेस कह रही है कि अभी तक मुआवजा नहीं मिला। कांग्रेस उनसे तो कहे कमलनाथ जी अभी तक क्यों नहीं गए, दिग्विजय सिंह जी एक हाथ खेत पर क्यों नहीं गए। अरे जैसे पाखंड करते हैं वैसे ही कोई पाखंड कर दिया होता किसी नेता ने बड़े ने। हमारे मुख्यमंत्री तो गाँव गाँव घूम रहे, खेत खेत घूम रहे, डगर डगर घूम रहे, ओले कोई क्षति देख रहे हैं और स्पष्ट आदेश कर दिया है पूरे के पूरे बारीक सर्वे का। क्योंकि लगातार जैसे कल भी विंध्य में हमारे रीवा सतना के इलाके में विंध्य क्षेत्र में कल गिरे हैं, तो ये एक लगातार मौसम की मार है, प्राकृतिक विपदा है, दुख की घड़ी है किसान के लिए और इस दुख की घड़ी में भारतीय जनता पार्टी पूरी की पूरी उनके साथ है। हमारे मुखिया शिवराज सिंह चौहान मनसा वाचा कर्मणा किसान के साथ हैं, किसान के आंसू पहुंच नहीं आने देंगे आंख में और पूरी शिद्दत से मेहनत से एक एक व्यक्ति सर्वे करेगा और राहत देगा। पता नहीं आप लोगों को किसने कह दिया ये वाला, कोई रूठा होगा तब ना।